वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटर मशरूम। तो मैंने 250 ग्राम मशरूम लिए हैं और 250 ग्राम मटर है और 2 टमाटर की प्यूरी है और 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्ची लिए 4-5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गैस कर लेते हैं हम ऑन। मस्टर्ड ऑयल, दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम। अच्छे से गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है और मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लाइट गोल्डन कलर से ऑन करें। इसके साथ ही प्याज डाल दें। ब्राउन करें। ऐड करेंगे अपने टमाटर। अब ऐड करेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक से प्याज जल्दी भुनते हैं। प्याज हमारे भुन चुके हैं। अब ऐड करेंगे टमाटर। साथ ही 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से भुने से अब ऐड करेंगे हरी मिर्ची। ऐड करेंगे बाकी के मसाले। एक चौथाई हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले गले ना। तब तक इसे पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। कितना अच्छा बने हुआ है। अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मटर। गरम मशरूम के साथ एक कटोरी पानी डालेंगे। अगर कम लगे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं इसमें। आधा कटोरी और पानी डालेंगे। अब करेंगे इसे कवर। कुकर हमने कवर कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसे फुल फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। 5 सीटी लग चुकी है और सब्जी हमारी रेडी है। 5 मिनट से स्लो फ्लेम पे रखेंगे और कवर करके फिर खोलेंगे इसे। सब्जी हमारी बन चुकी है। कितना अच्छा कलर आया है। अब डाल दे सर्विंग। तो
हमारे मटर मशरूम बन गए हुए रेडी। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।